لیکن میں نے بھی سوچ لیا کہ جو تاریخ عارفہ نے مجھے دی تھی میں شادی اسی تاریخ پہ کروں گی اور اب تم یہی رہو گی میرے پاس میں نہیں چاہتی کسی کو کچھ بولنے کا موقع ملے آپ یہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی آج اسی وقت اس عورت کو اس گھر سے نکالیں آپ اسی وقت امی لیکن اس میں میرا کیا قصور اشر بھی مجھے اتنا ہی پیار تھا جتنا آپ لوگوں کو तो तुझे निकलना होगा इस घर से मैं तुझे नहीं रख सकती मम्मी नहीं तुम जिंदा हो मेरे बच्चे ये कैसी खबर सुनी थी मैंने अम्मी मेरी गाड़ी खराब हो गई थी मेरी फ्लाइट मिस हो गई मैं दुबई एयरपोर्ट पे ही हूँ आप फिक्र ना करें मैं नेक्स्ट फ्लाइट लेकर घर आ रहा हूँ कौन आ गया सुबह सुबह भाई तू यहाँ क्या करने आई है अम्मी मुझे दादी से मिलने ने मुझे बहुत जरूरी काम है ये सुबह सुबह तुझे क्या जरूरी काम पड़ गया जरूर तू लड़कर आई है मैं लड़के नहीं आई मुझे बस पांच मिनट मिलने ने दादी से पांच मिनट ना एक मिनट तुझे अच्छी तरह से पता है ना मैं तुझे इस घर में एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं करती चल निकल यहाँ से अच्छा अगर आप मुझे अंदर नहीं आने दे सकती दादी को बाहर बुला ले मैं अपनी बात करके चली जाऊंगी बात सुन मैं तेरी नौकर नहीं हूँ कि उनको बाहर बुला लूँ या तुझे अंदर बुला लूँ समझ में आई तुझे अंदर बुला लूँ ताकि वो हमेशा के लिए तुझे यहाँ रख ले इस खुशफहमी में मत रहना अब यहाँ तू मेरी खुशियाँ खत्म करने आई है दफा हो जा यहाँ से प्लीज अम्मी दादी को बुला ले प्लीज और रहम करे मेरे हाथ में बच्ची है बच्ची है या बच्चा ये मेरा मसला नहीं है ये तेरा मसला है अब तू मेरे बेटे की खुशियाँ निकलेगी ये देख हाथ जोड़ती हूँ मैं तेरे सामने प्लीज दफा हो जा यहाँ से मरियम अम्मी ऐसा ना बोले अल्लाह ना करे मुझे बस पांच मिनट के अंदर आने दे मनहूस तू जहाँ जाती है सबकी खुशियाँ निगल लेती है अब यहाँ किसको खाने आई है अपनी दादी को या अपने बाप को अल्लाह ना करे अम्मी मुझे बस पांच मिनट के अंदर आने दे मेरी बात सुन अगर तूने मेरी ये ज़बान नहीं समझी ना तो मैं यहीं से तेरे बाल पकड़ के घसीटती में लेके जाऊंगी ये आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी मुझे अंदर आने दो बहुत ढीठ बेगैरत दफा हो जाइए और यहाँ आप कभी अपनी मजबूत सूरत मत दिखाना निकल अम्मी अम्मी मनहूस जावेद भाई मुझे तो आज मरियम की बहुत याद आ रही है बेटा ऐसे करो मुझे थोड़ी देर के लिए वहाँ ले चलो वहाँ बैठूंगी थोड़ी देर फिर वापस आ जाऊंगी जी कुछ दिन तो उसे आराम से रहने दे ससुराल में अरे जरा उसका दिल लगे वहाँ आप क्या हर वक्त वहाँ पहुँच जाती हैं
मैं खुद जा रही हूँ, तुम्हें तो नहीं कह रही जाने के लिए। और फिर वो लावारिस तो नहीं है ना कि वो यहाँ नहीं आएगी या मैं वहां नहीं जाऊंगी। जाऊंगी, 10 बार जाऊंगी उसके पास। जो लड़कियाँ बार बार आके मैके में बैठती है ना, उनकी ससुराल में इज्जत नहीं होती। हाँ हाँ, तुमने तो जैसे बड़े दरवाजे खोल के रखे हुए ना उसके लिए। मुझे कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा हुआ है कि मैं अपने सर ये मुसीबत खुद बनाऊं। प्लीज सादिया, तो खड़ी चुप करके बैठा करो, हर वक्त फजूल बोलना को अच्छा नहीं होता। हाँ भाई, फजूल तो हर वक्त मैं ही बोलती हूँ। ठीक तो बस आप दोनों ही हैं, और एक वो जो चहीती माँ बैठी हुई है, रहने दे। पता नहीं इसको मेरी बच्ची के खिलाफ क्या दुश्मनी है, ऐसे ना उसे वहां आने देती है ना हमें वहां जाने देती है। भूली गई थी कहीं से भूखने लगी हो। सुनो, तुम से थोड़ी देर के लिए संभाल लोगे, मैं तब तक इसकी फीडर साफ कराऊं। यही रहना, ठीक है? आ जाओ बेटा, आ जाओ। अम्मा देखिएगा कौन आया। वालेकुम अस्सलाम आजिद बेटा, जीते रहो मेरे बच्चे, बैठो। आओ बैठो। कैसे हैं आप दादी? मैं ठीक हूँ बेटा। किसी से मिलने के लिए आया था, सोचा आप लोगों से भी मिलता चलूं। और भाभी भी परियन भी आई है तुम्हारे साथ? आज तो मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। इनको मैंने कहा कि मुझे उससे मिलने के लिए ले जाओ। नहीं दादी, भाभी तो नहीं आई है साथ। मैं बताया ना आपको, किसी से मिलने आया था यहाँ पे, तो सोचा आप लोगों से मिलता जाऊं। अब मैं चलता हूँ। बेटा आए हो तो चाय पी के जाना। नहीं अंकल, फिर किसी और वक्त से, अभी मेरा एक जगह पहुँचना बहुत जरूरी है। चाय पी लेते तो अच्छा था बेटा। फिर आऊँगा, सुकून से बैठूंगा, बहुत सारी बातें करूँगा आपके साथ, और चाय भी पीऊँगा। जीते रहो बेटा, अल्लाह खुश रखे। चलो ओके बेटा, जीते रहो। मानो, अभी यही तो थी। मानो 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 मानो, या अल्लाह मुझ पे रहम फरमा, महेंद्र बोर्ड में हिम्मत नहीं है। लो बताओ, आया और खड़े खड़े निकल गया घर से बाहर। 2 घंटे हो गए, उसका कुछ अता पता ही नहीं। मैंने आपसे कहा था ना आंटी, वो भाभी को घर में ना पाकर बहुत नाराज होगा। उस डाइन ने पता नहीं क्या घोल के पिला दिया इसे, अपने जाल में फंसा लिया है। अशर, अशर कहाँ चले गए थे बेटा? हाँ बता के भी नहीं। अशर, अशर बात सुनो।
बाहर ढूंढू अपने मेहमानों मानो माफ करते भाई माफ करते मैं आपकी अमानत की हिफाजत नहीं कर सका खा दिया मैंने लोग मेरा ख्याल है तुम चेंज कर लो बेटा मैंने मोहल्ले की दो चार औरतों को बुलवाया है वो आती होंगी अब मैंने फैसला किया दो चार दिन में नहीं कल ही तुम्हारा अशर से निकाह है नहुसत तो टली गई है ना अब इस घर से मगर आंटी अशर ढूंढ ढूंढ के थक गया है उसे पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा था निढाल पड़ा हुआ था आके सो गया है शायद कमरे में मैं गई थी चेक करने उसका कमरा लॉक था अभी जाके उठवाती हूँ मैं नीचे जाती हूँ चांदियाँ वांदियाँ बिछवाती हूँ मैंने आसिया और नकमा को बुलवाया हेल्प के लिए ठीक है कपड़े बदल के आ जाओ नीचे ठीक है ये कहाँ से मिली तुम्हें ये रो रहा था वो मुझे आंटी ने दिया कहाँ है आंटी रो रही ठीक है बेटा भाभी मानो मानो अशर तुम जिंदा हो जी मैं जिंदा हूँ उस फ्लाइट से नहीं गया था अरे बच्चा मानो उस बच्चे के साथ क्या कर रही थी अशर मैं बहुत डर गई थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं मैं दर बदर घूमती रही मुझे किसी ने सहारा नहीं दिया अशर तुम अब प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना आपको अब किसी सहारे की जरूरत मैं दूंगा आपको सहारा चलो मेरे साथ आशु अभी तक नहीं आया आ जाएगा बेटा जरा ये तो सोचो जब वो आएगा और इतना बड़ा सरप्राइज देखेगा तो उसकी खुशी से इंतहा नहीं रहेगी
कल तक एक दिन में इतनी सारी तैयारी करना भी बस कल उसे दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ेगी। आ गया लगता है। कहाँ रह गए थे बेटा तुम? ये देखो मैंने उमैमा को माइयों बिठा दिया। जाओ तुम भी चेंज करके फ्रेश होके आ जाओ, इसके साथ बैठो। ये क्या हो रहा है भाई? मैंने तुम्हारा और उमैमा का सुबह निकाह रखा है। मेरा निकाह? मेरा निकाह तो हो चुका है। क्या बकवास कर रहे हैं? अंदर आइएगा। मिली अपनी बहू से? तुम होश में तो हो शायद? क्या बकवास कर रहे हो? मैं बिल्कुल होश आवास में आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं मरियम से निकाह कर चुका हूँ। लेकिन ये तुम्हारे मरहूम भाई की इज्जत है, तुम कैसे इससे निकाह कर सकते हो? आपने कभी क्यों नहीं सोचा अम्मी कि ये आपके मरहूम बेटे के निशाने? क्यों नहीं सोचा आपने? आप ही की वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे भाई की इज्जत गलियों में रुलती फिरे। सिर्फ आपकी वजह से मुझे ये करना पड़ा। बंद करो अपनी फजूल बकवास अशर, और इस मनहूस को इसके घर छोड़ के आओ। आज तुम्हारी मेहंदी है। कितने दिन से मुझे इस खुशी का इंतजार था। मैं नहीं चाहती कि इसकी नहुसत इस खुशी को बर्बाद करे। किस घर की बात कर रही हैं आप? ये घर तो पहले भी इन्हीं का था और आज भी इन्हीं का है। मरियम और मानो इस घर से कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। क्या करूं यार, मम्मी का तो बस नहीं चलता कि मुझे अभी पकड़े और अभी शादी करवा। बल्कि वो तो चाह रही थी कि भाई के साथ ही मेरी शादी हो जाए। तो कर लेता भाई, क्यों नहीं की? मतलब यार मेहमा तुम्हारी बचपन से मंगेतर है, और कितना इंतजार करवाने का रहता तुम्हारा? अगर प्यार सच्चा है तो उसको इंतजार करना पड़ेगा मेरे दोस्त। बहुत मूवीज देख रहे हैं आजकल आप, क्यों इतने फिल्मी डायलॉग्स? नहीं यार, असल बात यह है कि तो कुछ कर नहीं लेता, तो पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता शादी नहीं करवाता। ये अच्छी बात है। और सही भी है ना यार, घर की सारी जिम्मेदारी भाई के साथ। मैं पार्ट टाइम जॉब करके सिर्फ अपनी एजुकेशन का खर्चा निकालता हूँ, और मैं शादी कर ली तो वो भी जिम्मेदारी भाई पे चली जाएगी। यहाँ तो बिल्कुल राइट है। पता है क्या, शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वैसे भी इनकम चाहे बंदे की जितनी भी हो, शादी के बाद जब खर्चे बढ़ते ना दोस्त, तो इनकम कम ही लगने लगती है। हमारी उमर में बीबी जो है ना, उनको शॉपिंग का इतना शौक है, अगर हफ्ते में एक बार फुल डट के शॉपिंग ना कर ले तो उनका पेट ही नहीं भरता। यार इस बात में तो सारी औरतें जैसे। घर की कहानी सुन लो भाई, मेरी भाभी है, महीने में नहीं हफ्ते में जब तक चार दफा मॉल का चक्कर ना लगाए ना, खाना हजम नहीं होता उनका। सब औरतें ऐसी नहीं होती यार। अब भाभी को देखना, दो महीने हुए उनकी शादी को, और इन दो महीनों में मेरे ख्याल से एक बार शॉपिंग में गई होंगी, वो भी भाई जबरदस्ती लेके गए तो गई थी। नहीं यार। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो दुआ करूंगा अल्लाह ताला हर इंसान को आपके भाई जैसी बीवी दे।
मैं मरियम को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, उसे कभी उदास नहीं देखना चाहता। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं भाभी के सामने हमेशा सैर बन के खड़ा हूँ, उनकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मैं दर बदर घूमती रही, मुझे किसी ने सहारा नहीं दिया शर, मैं प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। मैं उसकी दादी और अब्बा को घर बुलाऊंगी और बुला के उन्हें इतना जलील करूंगी कि वो गैरत में आके उसे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से ले जाए। मरियम कैसे जिए, मरियम कैसे जिए। आशु, आशु प्लीज दरवाजा खोलो। आशु, आशु मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज दरवाजा खोलो। तुम अंदर क्या कर रहे हो? तुम्हें मेरे पास बैठना चाहिए, तुम्हें यहां होना चाहिए मेरे साथ। हाँ, इस हकीकत को तुम जितनी जल्दी तस्लीम कर लोगी तुम्हारे लिए उतना अच्छा। तुम्हारे और मेरे बीच में सिर्फ एक कजन का रिश्ता बचा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। प्लीज समझो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता आशु, ऐसा नहीं कर सकती, तुम भूल नहीं सकती। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहने के ख्वाब देखे, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते आशु, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मामा, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया, इसको बदल नहीं सकता। प्लीज समझो, कोशिश करो। हे बेटा, जरा आराम से खाओ, किस बात की जल्दी है? अम्मी, एक पार्टी के साथ मेरी मीटिंग है और इतना बड़ा ऑर्डर है अम्मी कि अगर ये ऑर्डर मुझे मिल गया ना तो उसके प्रॉफिट से मैं अपना अपार्टमेंट खरीद लूंगा। अच्छा, इतनी बड़ी डील है? हाँ, और क्या, और ये तो सिर्फ एक माह का प्रॉफिट होगा। अम्मी सोचे हैं कि अगर पूरे साल भर का कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो क्या होगा, वारे न्यारे हो जाएंगे और मैं तो फिर क्रिफ्टन में शिफ्ट हो जाऊंगा। वैसे भी मुझे इस घटिया इलाके में नहीं रहना। हाँ हाँ, इंशाल्लाह। क्या कहा बेटा तुमने? तुम अपना फ्लैट खरीदना चाहते हो, हमसे अलग होना चाहते हो? अरे अल्लाह ना करे, कैसी मनहूस बातें कर रहे हैं आप जावेद। अरे अपनी प्रॉपर्टी तो होनी बड़ी जरूरी है, और फिर प्रॉपर्टी हो तो इसकी शान होती है। प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो भी अपनी होनी चाहिए। वैसे भी ये तो दादी जान की प्रॉपर्टी है, मुझे अपनी प्रॉपर्टी का शौक है। मेरी हुई तो क्या हुआ, मेरे मरने के बाद मैं कब्र में तो नहीं ले जाऊंगी ना, ये सब तुम्हें ही मिलेगा। हो ही ना जाए हमारा, आप हमें देंगी अपनी चहेती पोती को, और पोती के होते हुए ये घर हमारा ख्वाब ही है। अगर तुम इसी तरह नफरत से मरियम को दुदकारते रहना और उसको घर के बाहर निकालते रहे तो मजबूरन मुझे यही करना पड़ेगा। और वाला कुआ, एक तो उधर सास वहां पे उसकी दुश्मन बनी हुई है और इधर तुम लोग दुश्मन बने हुए।
मुझे कुछ ना कुछ करना होगा ताकि मेरी जिंदगी में कहीं फुटपाथ पे ना जाके बैठ जाए। ये तो चाहती हैं कि मैं उस महबूस को अपने सर पे बिठा लूं ताकि वो जो बची कुची खुशियां है ना वो भी निगल ले। अच्छा अम्मी, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। जाओ, अल्लाह कामयाब करे। अरे देखो, अच्छा याद आया बेटा, जरूरी बात करनी है तुमसे। अम्मी प्लीज थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा, मुझे पार्टी से चेक भी लेना है और उसका बैंक भी जाना है। हाँ हाँ, वो तेरे लिए एक लड़की देखी है, बहुत प्यारी है, तू देखेगा ना तो बहुत पसंद आएगी। ये रिश्ता तेरी नानी का रहा। अम्मी 10 दफा आप लोग को मना किया है ना मैंने कि लड़की वड़की मत दिखा करे। ऐसे मुझे इस महीने जाके फ्लैट लेना है और काम बहुत है, मुझे फुर्सत है कहाँ मुझे जो आप लोग इस तरह कर रहे हैं। अच्छा फ्लैट कहाँ ले रहा है? फ्लैट क्लिफ्टन में ले रहा हूँ, समुंदर के पास। नया फ्लैट है, आधी पेमेंट कर दिया, आधी लोन से करूंगा। हाँ, ये तो तू बहुत ही अच्छा कर रहा है। अरे इंसान को साफ सुथरी और महंगी जगह पे रहना चाहिए, इससे जरा टोटार भी बनी रहती है। ऐसे घटिया इलाकों में रह के तो करोड़ों भी कमाओ ना, फिर भी फकीर के फकीर ही रहते हैं। इसलिए तो कह रहा हूँ कि मुझे दिन रात मेहनत करने दिया करें। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने में मुकम्मल करता हूँ तो अगला कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाएगा। फैक्ट्री की बाबा वाली जमीन लेनी है, काम जो बढ़ रहा है मेरा। ला नजर ना लगे, तेरे कारोबार को बहुत तरक्की हो। अच्छा सुन, फिर अम्मी को मना कर देती हूँ, जब फारिग होगा तो फिर बात। मना कर रहा हूँ ना कि लड़की वड़की के चक्कर में मत पड़े, जब लड़की पसंद आ जाएगी तो आप लोग को बता दूंगा, जाके मिल लीजिएगा। अच्छा जुनेद, मैं कह रही थी कि मना ही कर दिया। चलो किसी किसी मेरा मानो बिल्ली हस्ता मानो बिल्ली हस्ती। अशर मुझे मानो को दे दो, तुम बाहर जाके नाश्ता कर लो। आप नाश्ता यहीं ले, हम दोनों साथ बैठ के कर लेते। नहीं मुझे भूख नहीं है। प्लीज मरियम, अशर प्लीज प्लीज मरियम, नाश्ता करें मेरे साथ और उसके बाद कमरा बंद करके सो जाएं। मुझे ऑफिस जाना जरूरी है, एक छोटी सी मीटिंग है, मैं करके जल्दी वापस आता हूँ। तुमने मेरी वजह से कितनी मुसीबतें मोल ली है ना। नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं, जो हुआ मेरी खुशी से हुआ और खबरदार आंदा आपने ये अल्फाज अदा किए तो। चले नाश्ता ले आए, मुझे भूख लग रही है और देर भी हो रही है। लेकिन वो मुझे अम्मी को अम्मी को छोड़ेंगे, मामा है कुछ खिला देगी हमें। इस वक्त हम उनके सामने ना जाए बेहतर। और हाँ, आप मानो के लिए जो जरूरी चीजें हैं आप उसकी लिस्ट बता दीजिएगा मुझे, मैं आते हुए लेता हूँ। ठीक है, चाहे नाश्ता ले आए। मैं ये आपकी दवाएं आ गई हैं, ठीक है? क्या बात, कुछ परेशान है आप? कई दिनों से मरियम की कोई खैरियत की खबर नहीं है। कल भी मैंने उसे फोन किया था मगर उसने उठाया ही नहीं, और अभी भी मैंने किया है तो आगे से कोई जवाब नहीं। हम छोटे बच्चे का साथ है,
उससे सेल फोन का कहां होश रहता होगा, नहीं देखा होगा उसने। और वैसे माशाल्लाह वो ठीक होगी, दो दिन पहले तो अशर होके गया। अशर का इस तरह सुबह सुबह आना मुझे शक में डाल रहा है। अल्लाह सब खैरियत हो। परेशान होने की जरूरत नहीं है अम्मा, अशर बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा था। अगर परेशान होता तो उसके चेहरे पर नजर आता, तो नॉर्मल दिखाई दे रहा था। आप फिक्र मत कर भाई, उसकी सास का रवैया भी तो उसके साथ ठीक नहीं है। मुझे तो इसी बात का डर है, अपनी पोती की पैदाइश पे भी उसने कोई खुशी का इजहार नहीं किया, हालांकि वो उसके बेटे की आखिरी निशानी है। हसन, होते हैं ना दुनिया में ऐसे लोग जो वहमी और तोहम परस्त होते हैं। अब क्या किया जाए, अपनी अपनी आदत है ना, ख्याल ही करे बस। अच्छा माँ, मैं अशर से बात करूंगा कि वो मरियम से कहे आपसे बात करे। ठीक है ठीक है। ये लीजिए जनाब, ये सारी चीजें मैंने लाके रख दी हैं, दिन में कुछ खा लीजिए। अरे आपने ये क्यों तकलीफ की? तकलीफ वाली कौन सी बात, आपने लिस्ट बना दी? ठीक है। अच्छा, अब आपने करना ये है कि आपने दरवाजा लॉक करके अंदर आराम से सो जाना। फोन को चार्ज रखिएगा, मैं फोन करता रहूंगा, दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खोलना। मेरी एक छोटी सी मीटिंग है, मैं वो करके जल्दी से आ रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आंटी। अरे क्या बात है बेटा, परेशान लग रही हो? आंटी अशर बाहर जा रहा था, मैंने उसे आवाज दी तो उसने पलट तक कर नहीं देखा। अब उसे पुकारना बेकार है बेटा, वो जिस रास्ते पे चल पड़ा है उसे हमारी कोई आवाज अब सुनाई नहीं देगी। लेकिन मैं उसे पुकारूंगी, बार बार पुकारूंगी आंटी, उसे एहसास दिलाऊंगी जो जो कुछ उसने मेरे और आपके साथ किया, मैं नहीं छोड़ूंगी उसे, और उसे मेरी सारी बातें सुननी पड़ेंगी। सुन भी लेगा तो क्या हो जाएगा, वो अपना रास्ता बदल चुका है बेटा, अब उसकी मंजिल हम नहीं कोई और है। नहीं आंटी, उसकी मंजिल में हूँ, वो इतनी आसानी से मुझे नहीं भूल सकता, मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकता। क्या कर लोगे तुम, कल से हम रो रहे हैं, चीख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उस पर कोई असर हुआ? तो क्या करेंगी आप, हथियार डाल देंगी, चुपचाप सब कुछ होता देखती रहेंगी, कुछ नहीं करेंगी? आप खामोश रहिए, लेकिन मैं चुपचाप नहीं बैठूंगी, मैं अपना हक लेकर रहूंगी, हर कीमत पर अपना हक लेकर रहूंगी आंटी। Thank you.
बेटा कुछ खा लो बेटा, मेरे कमरे में चल के आराम कर। मैं भी यही सोच रही थी आंटी, थोड़ा सा जहर खा लूं और हमेशा की नींद सो जाऊं। अल्लाह ना करे बेटा, कैसी नहुसत की बातें कर रही है। नहुसत तो हमारे घर में आ चुकी है आंटी, और क्या बात हो सकती है। कैसी मायूसी की बातें कर रही हो बेटा तुम। तुम्हारी बातों से मुझे इतनी हिम्मत हुई थी कि मैं जज्बात से हटके सोचने लगी थी कि इन हालात का मुकाबला कैसे किया जाए। अब तुम्हें हिम्मत हार दोगी तो मैं तन्हा तो कुछ नहीं कर सकती बेटा। मुझे तो अपनी जिंदगी भी एक अजाब लगने लगी है, मेरे अंदर जीने की कोई ख्वाहिश नहीं है। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी खुशियां लौटाना। आप ठीक कह रही हैं आंटी, आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। आंसू बहाने से बेहतर है कि हम कुछ सोचें कि उस मनहूस को अशर की जिंदगी से कैसे निकालना है। हाँ बेटा, हम दोनों की जिंदगी का मकसद एक है, उसे इस घर से और अशर की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकालना। मैं उसकी दादी और अब्बा को घर बुलाऊंगी और बुला के उन्हें इतना जलील करूंगी कि वो गैरत में आके उसे हमेशा हमेशा के लिए यहां से ले जाए, हमारा मसला हल हो जाएगा। ये ठीक है, चलो कुछ खा लो। आओ आओ तुम्हें कुछ खाने। देखो साथिया, मैं उसका बाप हूं, दुश्मन नहीं। मैं जब भी उसको समझाने की कोशिश करता हूँ वो ये समझ रहा है कि मैं उसकी तरह किसे जलता हूँ। आपको उसे समझाने की आखिर जरूरत क्यों पेश आ रही है? आपके समझाए बगैर भी तो वो आपके कारोबार को कितना अच्छा देख रहा है, लाखों में खेल रहा है, और क्या चाहिए आपको? यही मैं नहीं चाहता हूँ कि वो एकदम ऊपर चला जाए। आहिस्ता आहिस्ता कदम कदम चलना बहुत अच्छा होता है। जैसे आप कदम कदम चलते रहे और कभी ऊपर ना आ सके, बातें ही हैं। अपनी ये बकवास हर वक्त करती रहे ना तुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्यों खैरियत? बस ऐसा है कि 4 बजे फिर हाजिर होते हैं। किसका फोन था बेटा? मरियम की सास का, हमें बुलाया है। तुमने मेरे अशर को मुझसे छीन लिया ना, मैं तुम्हारी बेटी को तुमसे छीन लूंगी। मैं तो अपने अशर को देख सकती हूँ लेकिन तुम अपनी बेटी को देख भी नहीं पाओगी। इस घर का सुकून तुम्हारी अम्मा ने बर्बाद किया है। बस कर दें आप, एक लफ्ज भी अगर आपने आगे बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। जहाँ जाना है वहाँ चली जाओ। हेलो, सब खैरियत है अशर?